की जिज्ञासु हो, आज मैं आपके समक्ष दिनांक 13 से 19 सितंबर के मध्य आने वाले सप्ताह का साप्ताहिक राशि भविष्य मकर राशि वालों के लिए कैसा रहेगा वो दर्शा रहा हूँ। मकर राशि वालों के लिए अभी थोड़े समय के बाद आपको सुखद समाचार मिलेगा। अभी वर्तमान में स्थिति नाजुक चल रही है, आपके संतान जीवन में कुछ कष्टप्रद समाचार मिल सकता है, थोड़ा सा संतान संबंधी समस्या एवं कष्ट आपको विचलित कर सकता है। साथ साथ में आपके सुख में व्यवधान आएगा और वाहन भवन संबंधी कार्यों में रुकावटें आएंगी। पत्नी से संबंधित भी थोड़ी सी परेशानी आ सकती है, पत्नी का स्वास्थ्य स्वभाव कुछ बिगड़ सकता है या उनको चिंता बढ़ सकती है आपकी। इस प्रकार से धनु राशि मकर राशि वालों के लिए बताया। और मकर राशि वालों के लिए खर्च अच्छे कार्यों में होगा, बड़े रूप में होगा, लेकिन खर्च अवश्य होगा, खर्च से सावधान रहना है। यात्रा के प्रसंग होंगे जो मांगलिक यात्रा हो सकती है, इसमें भी आपको एक प्रसन्नता रहेगी। साथ साथ में आपके रोग शत्रु इन दोनों का अपने आप विनाश होगा, पुराने कर्ज की मात्रा थोड़ी सी बढ़ सकती है, नया कर्ज आपको मिल सकता है और पुराने कर्ज की चिंता रहेगी। इस प्रकार से मकर राशि वालों के लिए इस सप्ताह में खास करके भवन वाहन ऐसो आराम सुख सुविधाएं इनमें कमी रहेगी, खर्च की मात्रा अधिक रहेगी, नया ऋण मिल सकता है और आपके जो पत्नी से थोड़ा वियोगजन्य स्थिति, फिजिकल दूरियां हो सकती हैं, कर्जदार कुछ परेशान कर सकते हैं और पुराने कर्ज की चिंता बढ़ेगी, कर्म क्षेत्र थोड़ा सुधरने की स्थिति का थोड़ा सा निमित्त बनने जा रहा है इसी सप्ताह, उसमें थोड़ी सी अल्प प्रसन्नता का वातावरण हो सकता है और इस प्रकार से स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। पर इस प्रकार से मकर राशि वालों के लिए बताया। मकर राशि वालों के लिए सबसे अच्छा क्या सबसे खराब क्या, 16 तारीख तक सूर्यदेव आपके 8वें हैं, अष्टमे मरण ध्रुवम, अष्टम सूर्य आपके लिए शासन पद प्रशासन से गवर्नमेंट से संबंधित कोर्ट मुकदमा पुलिस विभाग या कुछ चल रहा है उससे तो खास सावधान रहना है, क्योंकि मकर राशि वालों के लिए सबसे अच्छा यह है कि पुलिस विभाग से तो राहत मिलेगी, सिर्फ शासन पक्ष से कोर्ट मुकदमा से राहत नहीं मिल रही, ये एक समाचार एक विरोधात्मक दिख रहा है। साथ साथ में आपके मकर राशि वालों के लिए चंद्रदेव बहुत प्रसन्न रहेंगे, लेकिन 18 और 19 तारीख को ही अच्छा समाचार मिल सकता है, ये दो तारीखें आपके लिए मकर राशि वालों के लिए ठीक रहेंगी। इस प्रकार से और शुक्रदेव आपकी राशि से सप्तमें चल रहे हैं, इसलिए सप्तम सूर्य शुक्र जो है आपके लिए मंगलप्रद होंगे और यानी स्त्री जाति से आपको लाभ मिलेगा, स्त्री जाति जो कर्म क्षेत्र में लगी हैं उनके लिए भी पदोन्नति या अर्थ लाभ की स्थिति बन सकती है। इस प्रकार से मकर राशि वालों के लिए मिला जुला फल देने वाला ये सप्ताह का रहेगा। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ हरिओम।